तो हेलो गायज मैं चैनल दोबारा खेलने जा रहा हूँ माइंड क्प सो मैं पहली बार मतलब मैं पहली बार तो नहीं खेला पर मैं अपना पहला वाला वर्ल्ड क्रिएट करने वाला हूँ एक बार देख लेता हूँ वे चलो सो गाइस आज मैं खेलने वाला हूँ एक नॉर्मल सा वर्ल्ड जो कि हम लोग न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेंगे आ, जो कि रहेगा अभी लोडिंग होने में इतना टाइम के लिए तो गाइज मैं सोचा कि मैं माइंड क्राफ्ट की सीन तो करता ही हूँ तो उसके साथ एक हम वर्ल्ड भी खेलना चालू करें जो कि एक सिंगल प्लेयर होगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपली राजदीप का नगर राजदीप का राजदीप का, का नगर नहीं लिख के राजदीप का सिटी लिख तू राजदीप का सिटी सर्वाइवल रखेंगे और अभी नॉर्मली रखने वाले हैं मल्टीप्लेयर को हम लोग ऑफ कर देते हैं गाइस पूरे दिन डिस्कॉर्ट से इतना मैसेज आता है कि क्या बताऊँ आप लोगों को गाइस और कॉर्नट्स को मैं शो करवा देता हूँ यहाँ पे ओके गाइस अब इतना ही था हमारा कुछ चलो हम लोग वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ तो फाइनली हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो गया था और हम लोग आ गए थे बर्ज बायो में तो ठीक है बर्ज में ओके ये वाले ट्रिक तो मुझे ख़ास पसंद नहीं है पर फिर भी ठीक है चलो तो माइंड में जो जो न्यू है कोई न्यू तो नहीं होगा भाई मेरी बेइज्जती करवा दी सबने न्यू तो कोई नहीं होगा मुझे पता है पर फिर भी अगर न्यू है न्यू हो आप लोग और चैनल को न्यू चलो तो उसको बाद, बाद में करेंगे ना अगर कोई माइंड नहीं हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा पहले ये जो आ, कुछ आपको लॉक तोड़ने पड़ेंगे कुछ ट्री आपको काटने पड़ेंगे तो यहाँ से मुझे पाँच यहाँ पे बर्च लॉक मिल गया और सब बर्च नहीं आप कोई भी ट्री काट सकते हो जो ट्री आसपास मिले आपको और ये भी काट लेते हैं मतलब ये भी तोड़ लेता हूँ तोड़ लेता हूँ अच्छा सुनेगा अच्छा यहाँ से देखता हूँ कितने लॉक मिलते हैं हमको और ऐसे ही पहले वुड उसके बाद स्टोन उसके बाद आयरन उसके बाद डायमंड उसके बाद नर करके करते करते आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेना है जैसे कि हम लोग अपने इस वाले वर्ल्ड में करेंगे तो वर्ल्ड तो हमारा तो वर्ल्ड नया बना है तो ज़रूर देख लेना सब लोग आखिर तक बहुत कुछ होने वाला है तो मैं यहाँ पे मैंने इतने सारे प्लैंक्स क्यों बनाए आप लोग सोच ही रहे होंगे और मैं ऊपर भी क्यों जा रहा हूँ प्लैंक्स बनाए ये कुछ वो नहीं है प्लैंक सब भी बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल्स स्टिक पिकेक्स ये सब बनाने के लिए पर मैं ऊपर क्लाइंबिंग क्यों कर रहा हूँ क्योंकि गाइस, मुझे देखनी है मेरे आसपास में क्या है देखो यहाँ पे दूर दूर तक तो सिर्फ बर्च भाई में दिख रहा है कितने लंबे लंबे पेड़ है और सर दिख में बर्च और बर्च भाई मुझे लगा था कोई विलेज विलेज मिल जाएगा पर विलेज तो नहीं मिला छोड़ो हम लोग ऐसे ही हमारा गुजारा कर लेंगे विलेज के अलावा और गाइस ये कोई मल्टीप्लेयर वर्ल्ड नहीं है पहले से ही बता देता हूँ मैं ये एक नॉर्मल वर्ल्ड सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है जो कि मैं अभी खेल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लूँ स्टोन का टूल टूल बना लूँ उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ तो फाइनली गाइस मैंने कुछ प्रोग्रेस कर ली देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक स्टोन की पिक एक्स एक स्टोन की एक्स है स्टोन की स्वॉर्ड है और देखो गाइस मेरी नूब पंधी देखो इससे तो मैं सोचो स्टोन तोड़ रहा था जो कि मैंने यहाँ से तोड़े इससे मैंने वो ऊपर से पूरा नीचे तक वो वाला क्या बोलते हैं उसको hmm, क्या बोलते हैं अरे वो वाला तोड़ा मैंने ओ प्लैंक्स प्लैंक्स तोड़े और ये वाला मैंने एक्स्ट्रा बना लिया भाई इससे अब क्या ही कर सकते इससे थोड़े गांव को मार लेते हैं ताकि उनसे खाना मिल जाए ऐसे करके उनको तो उनको तोड़ देंगे और लास्ट में जब एकदम लो हेल्थ हो जाएगी इसकी तब हम लोग इसको एज आ यूज़ कर लेंगे अभी खाने की तो ज़रूरत है क्योंकि नए नए आए हैं गेम पे और खाने की बहुत ज़रूरत होगी मैं तो ऑलरेडी वहाँ पे चिकन पकने के लिए दिया है तो यहाँ से छी सिक्स मिनट को रो मिल गई तो मैं जल्दी से जाता हूँ इनको भी पकने दे देता हूँ हाँ चलो आई थिंक हमारे चिकन पक गए होंगे इतने देर में आ, चलो हाँ पक गए चलो यहाँ पे मैं काम करता तो इसको देता हूँ फुल की और गाइस मैं एक आपको प्रो टिप्स बताता हूँ अगर आपको आसपास कोई केव नहीं मिले तो अब ऐसे कुछ ब्लॉक्स डिग करके ऐसे ऐसे आप जाके देखो यहाँ पे आपको स्टोन मिल जाएगा तो ऐसे भी आप स्टोन ढूंढ सकते हो जैसे मैंने ढूंढा है कॉपर स्टोन भी इसको बोलते हैं तो यहाँ पे मैं उठ प्लैंक से दे देता हूँ क्योंकि अभी डर्ट इन्वेंट्री और इन्वेंट्री में कौन ही जाएगा चलो हमारे यहाँ पर जो फ्यूल है वो हो गया है खत्म तो हम लोग एक एक्स को रख देते हैं यहाँ पे अब ये होता जाएगा तब तब मैं मिलता हूँ आपको तो ये होने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे चलो गायस हमारा फाइनली खाना जो है पक गया है और अब मैं थोड़ा सामने की ओर चलता हूँ और चलो सामने की तरफ चलते हैं देखते हैं कुछ अगर मिल जाए तो यहाँ पे बहुत सारे हनी बीज हैं और गाइस अगर गेम लैग कर रही है एक तो एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि गेम तो, तो लैग करेगी थोड़ा पुराना फोन है मेरा समझ रहा ना ही को देखो अलग ही मछी है इसकी चलो सामने चलते हैं सामने मुझे एक नदी जैसी लिख रही है देखता हूँ एक अच्छी सी जगह में हम लोग घर बनाएंगे तो गाइस आज तो हम लोग घर नहीं बनाएंगे आज हमारा जो एम रहेगा वो एक आयरन के कुछ टूल्स अगर बना ले अच्छा तो ज़्यादा अच्छा होगा इन सबको अगर तोड़ते कुछ मिलता है हमको ये सी ग्रास होती है इनसे सीड्स मिलता है क्या पता नहीं ठीक है बस आप लोग बता देना सी ग्रास से सीड मिलती है और यहाँ पे रात भी होने को आइए हमको तीन वल भी चाहिए ताकि एक बेड बना सके हम और इतना ज़्यादा मैसेज आता है यहाँ तीन मैंने शुगर केन तो ले लिए अभी चलो सामने की ओर चलता हूँ भाई सीप नहीं मिला हमने गलती कर दी कि हमको शीप ढूँढना चाहिए था एक चलो देखते हैं आज की रात तो जैसे तैसे हम लोग गुस्सा लेंगे एक केव मिल जाती तो अच्छा होता उसके अंदर चला जाता माइनिंग करता रहता पूरी रात और सामने की तरफ कुछ बहुत ब्राइटनेस ब्राइटनेस जैसे दिख रहा है चलो सामने की तरफ चलते हैं देखो तो ये वाली जगह भाई आर यू सीरियस आर यू सीरियस मैन यहाँ पे हम लोग को लावा पुल मिल गई आर यू सीरियस पर अभी तो वाटर बकर नहीं है कि नीदर पोटल बना ले हम आ, चलो छोड़ो क्या ही कर सकते भाई जॉम भी आना चालू भी हो okay. चलो इस हम लोग अपने हमारे ज़ाबा में तो वो आता है अचीवमेंट्स पर हम लोग ऐसे ही हम ना हमारा मॉन्सटर हंटर का अचीवमेंट ले, ले लेते हैं ऐसे थोड़े रोज ले लेते हैं ताकि बाद में हम हमने बेट को कलर कर सके रेड से रेड डाई रेड डाई से अच्छा यहाँ पे थोड़े पर्पल डाई भी है क्रीपर नाता ना नाता ना ना। ये भी फूट जाना ओ भाई क्रीपर कोई लग गई मैं यहाँ से भागता हूँ भाई यहाँ पे लॉक दिख गए मेरे को थोड़े ओक तो लॉक बाद में लेंगे पहले इस क्रीपर से तो छूटते हैं यहाँ मुझे कहीं पे घुसना पड़ेगा आगी। आगी। सस्ता जुगाड़ गाने का सस्ता जुगाड़ ये असली गाना तो लगा से रहे इसलिए सस्ता जुगाड़ कर रहा हूँ मैं अभी यार ये स्क्रीन बार बार क्यों आती है मेरा मेरी चलो मेरा मेरा ही बोलते हैं शाम में है चलो यहाँ पे हम लोग भाई सामने इंटरमैन भी है यहाँ पे चलते हैं नीचे अरे शिट मैन मैंने की भी इन्वेंट्री ऑन नहीं रखा ये अगर आ जाए ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो वाइजा भाई यहाँ पे मैं ये एक ब्लॉक लगा देता हूँ भाई कितना अंधकार हो गया अंधेरा सामने चलता है नीचे खोदते खोदते मुझे थोड़ी अपनी ब्राइटनेस बनानी बढ़ानी पड़ेगी ब्राइटनेस तो मेरी फुल बढ़ी हुई है मेरे को गेम की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी गाइस यार सेटिंग्स हाँ ब्राइटनेस बढ़ती है रुको मैं बढ़ा लेता हूँ पहले फाइनली हमने हंड्रेड अपनी ब्राइटनेस को कर लिया पर फिर भी कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा क्या बोलते हो गैस आप लोग दिख रहा है क्या अच्छे सा कुछ चलो फिर भी ठीक है थोड़ा सा तो दिख ही रहा है अब नीचे चलते रहते हैं देखते हैं कुछ अगर मिल जाए आयरन वायरन तो आयरन का एक टूल तो बना लेंगे कम से कम कि आज हमारा वहाँ पे गोल्ड है वही क्या मिलता जा रहा है मेरे को ग्रेवल अच्छा इसीलिए देर देर में टूट एक फ्रेंड मिल जाती तो ऐसा अच्छा होता अभी टफ़ मिल रहा है हमको हाँ चलो मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे को अरे यहाँ पे आयरन मिल गया भाई अब मौज हो गई मेरी भाई अब तो आज का वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा गाइस आप लोग सोच ही रहे थे कि हमारा वीडियो लगता है ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आयरन तो हमको मिला नहीं फाइनली हमारा वीडियो ख़त्म होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है भाई कितने आयरन है फिर भी मैं तो देख पा रहा हूँ पता नहीं आप लोग देख पा रहे होगी कि नहीं पर मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़े आयरन थे ऊपर क्या भाई कुछ भी दिख नहीं रहा अच्छे से ये आयरन है नहीं हमको यहाँ से कुल दस आयरन मिल गया ओ भाई दिस इज़ गुड भाई पर अभी भी तो रात नहीं रात ही है ना और थोड़ा नीचे चलते हैं अगर मिल जाए और कुछ दस आयरन से तो हमारा काम चले जाएगा देखो तीन तीन नौ नहीं तीन तीन नौ नहीं होते तीन तीन छः होते तीन और तीन छः और हमको दो लगेंगे मतलब कितने होते हैं छः और दो आठ और एक शवल के लिए लगेगा मतलब नौ और दो हो के लिए लगेंगे पर वो हम लोग बाद में करेंगे अभी तो हम लोग फार्मिंग नहीं करेंगे माइनस वन पे भाई कुछ एक ज़्यादा ही अच्छा लक है मेरा हमको लेपिस लज़ुली मिल गई गाइस यहाँ पे देख रहे हो लेपिस लजुली मिल गई है हमको यहाँ पे गेबल है देखा नहीं यहाँ पे तो लैपिस लज्जुली मिल गई थोड़ी सी क्स की भी हेल्थ बहुत कम है चलो और थोड़ा नीचे डिक डाउन करते पता नहीं सुबह होगी क्या घड़ी पता नहीं है एक काम करते गाइस हमारे पास सिक्सटी फोर्स मतलब होने आए तो और थोड़ा सा कर लेते चलो आई थिंक हो गया है हमारे पास वन स्टैक क्यों नहीं हो रहा अच्छा अच्छा ये डीप स्लेट जोन है ना अच्छा आप समझ आ गया मेरे को अभी नहीं हो रहा चलो गाइस हम लोग ऊपर जाना शुरू करते हैं अभी ये नाइनटीन ब्लॉक्स ले लेते हैं यहाँ से एंड साइड ले लेते हैं ग्रेवल ले, ले लेते हैं टफ भी मिला था हमको टफ़ ले लेते हैं सब कुछ लेके ऊपर चलेंगे भी एकदम नीचे तो ग्रेवल रखेंगे हम लोग चलो एक ग्रेवल रख लेते हैं हमारे पास तो यहाँ पे एंडिसाइड काबल्ड डिप्सलेट गाइस बहुत बोरिंग है ये वाला कितनी देर में ऊपर जाएंगे हम अभी यहाँ पे टफ रखना पड़ेगा मतलब ये ग्रैनाइड आई थिंक ग्रेनाइट मिला था हम लोग टफ बोल दिया इसको चलो अब तो हम लोग को क्या खर्च करना पड़ेगा अब वुड के प्लैंक्स मैं ऊपर जाके और बना और ले लूँगा तो अभी वुड के प्लैंक्स भी यहाँ पे रख ही देते हैं और कॉबल स्टोन भी है मेरे पास चलो नाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे वुड के प्लैंक्स भी रख दी चलो और थोड़ा सा यहाँ पे कॉबल स्टोन हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं ऊपर तो पहुँच पाएंगे ना और कितना ऊपर है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं हमको बहुत जल्दी आयरन मिल गया था वैसे मैं बताता था आपको बहुत जल्दी आयरन मिल गया था भाई कहाँ जा रहा है सब <laughs> ये कोल है नहीं कुछ भी दिखता है मेरे को देखता हूँ थोड़ा सा ऊपर वाला माहौल कैसा है ये क्या हो गया अच्छा हमको तो इस तरफ जाना था हम इस तरफ से जाएंगे चलो ओ हम लोग तो मर जाएंगे यारिफ्ट कितना सारा सब कुछ चला जाता है यार मेरे पास बीफ भी है बीफ भी खा लेता हूँ जल्दी जल्दी यार शिट, शिट 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 ओ भाई एक बार में फुल हो गया हमारा एंड मैं ऊपर चला जाता हूँ गाइस पहले गाइस फाइनली मैं ऊपर आ गया और गाइस लिटरली दो, दो दो बार लिटरली दो, दो दो बार मैं मरने से बचा हूँ गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे दो दो बार एक बार मैं बहुत ऊंचे से गिर गया सिर्फ एक हार्ट पे मैं जिंदा रहा पता नहीं वो मैंने रिकॉर्डिंग की है नहीं की। अच्छा और एक बार मुझको तीन चार फाइडर ने मिलकर अटैक कर दिया था और जस्ट मैं हाफ आर्ड में बचा गाइस क्या भाई लिटरली मैं डर गया भाई ये बहुत कठिन होने वाला है लोग लोग खेलते हैं न वो क्या बोलते हैं यहाँ पे मुझको एक डॉग मिल गया पर मेरे पास बोन नहीं है वो हो शिप को मार रहा है चलो हमारी हेल्थ मतलब हमारी स्वाट की हेल्थ तो नहीं गई ये कुकड बीफ खाता तो है पर टेम नहीं होता इसको टेम होने के लिए पहले बोन लगता है उस उसके।, उसके बाद अगर किसी कुछ खाना है तो ये कुकड बीफ खाता है और रोटन फ्लैश भी खाता है मतलब तो अच्छा उस तरफ चलते हैं ये आ, इसको नहीं मारता ये गाओ उसके बाद शिप इन सबको मारता है ओके okay, हमको और दो शीप चाहिए अभी भी एक वो करने के लिए चलो गाइस बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है हमारी तो हम क्या करते हैं ना फर्नेस रखते हैं और यहाँ पे क्या हम लोग दे फ्लिंट, फ्लिंट फ्लिंट तो फ्लिंट हमको मिल गया चलो ये भी ठीक है क्या रखा जाए चलो देखते हैं हम लोग थोड़ा वो बना लेते हैं पहले प्लैंक्स बत्तीस फ्लैंक्स आई थिंक थर्टी सिक्स फ्लैंक्स दस आयरन इंगड़ पहले पहले हम लोग आयरन इंगड में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं रॉ आयरन से तो देखते हो और अगर कोई मिल गया तो और कोई शिप मिल गई तो और चलो देखते हैं और आज का वीडियो तो इतना तक कि मैं कंप्लीट करूँगा पहले अपने हाथ पे आयरन की चीज़ें तो ले लूँ मेरी स्टोन की पिकैक्स टूट गई पर स्टोन का एक्स और स्टोन का स्पॉट अभी भी जिंदा है इसको मैं लेके जाऊंगा इसको मैं टेम्पोरे रखूंगा तो मेरे को कुछ नाइन चाहिए और एक कारण चलो देखता हूँ क्या क्या बनाता हूँ मैं तो गाय रह जाता मिलते अगले वीडियो में तब तो तक लिए बाय बाय आप लोग तो देख ही पाओगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने क्या क्या बनाई सारे से तो चले अब तक ले बाय बाय